तस्वीरों में आपने देखा कि खींच कर जिसे ले जाया जा रहा है, दरअसल ये चौकी इंचार्ज राहुल त्रिपाठी है। एंटी करप्शन की टीम चौकी इंचार्ज को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। और फिर क्या था, दरोगा जी को खींच कर गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ पुलिसकर्मी दरोगा के पक्ष में आते हैं, मगर रिश्वत मामले में दरोगा बच नहीं पाए। खबरों के अनुसार लखनऊ के हैरानी पुलिस चौकी इंचार्ज एक मामले में एक होटल मालिक पर केस को लेकर उसे डरा धमका रहे थे और बचाने का दावा करते हुए होटल मालिक से 20,000 रुपये की डिमांड की थी। और होटल मालिक ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी और रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज रंगे हाथ पकड़ लिए गए। फिर क्या था, दरोगा जी को खींचकर एंटी करप्शन के अधिकारियों ने उन्हें PGI थाने ले गए। देर रात दरोगा पर FIR भी दर्ज कर लिया गया है। यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं, दिमाग खराब है। सभी गाड़ी गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, सर बना रहे।